किसी गाड़ियां थी, बीजेपी की गाड़ियां थी, बीजेपी की गाड़ियां प्रचार के लिए सतरिया के लिए आई थी जी। और वो लोग उतरे और कहने लगे अर्चना त्रिपाठी जिंदाबाद। तो यहाँ कुछ लड़के रोड में खड़े थे, वो कहने लगे कि हाजी राजा जिंदाबाद। वहीं पर एक निर्दलीय प्रत्याशी का कार्यालय था, उसी के ठीक सामने ये हो हल्ला शुरू हुआ। अच्छा जी, तो मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ? मौके वारदात में हम नहीं थे, हम निमंत्रण में थे वहाँ वृंदावन गार्डन में जी। जैसे यहाँ आए लोगों ने बताया, वही बात मैं आपसे बता रहा हूँ। मतलब लड़ाई तो आपको लोगों ने बताया होगा, किस तरह क्या विवाद हुआ? बस यही विवाद हुआ कि फिर भाजपा वाले कोई एक लड़का जो विक्रम सिंह के साथ में था जी, उनका करीबी, वो एक सभासद विनोद साहू, जागेश्वर साहू का लड़का विनोद, तो वो भी था उसमें आवाज उठाने में कि हाजी राजा जिंदाबाद। अच्छा जी, तो फिर वो आया और कालर उसकी पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? तो कमल विक्रम सिंह के आदमी ने, कमल तो वालों ने जब कालर पकड़ लिया तो कुछ लोगों ने एतराज किया, जब नहीं माने दोनों तरफ से हो हल्ला हुआ, किसने क्या किया। पहली शुरुआत विक्रम सिंह के करीबी ने की? हाँ, विक्रम सिंह के करीबी ने किया। अच्छा जी जी, तो ऐसा माना जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने, जो बात उठ रही है जी जी जी, चारों तरफ कि सपा के कार्यकर्ताओं ने ये सब हमला किया हुआ है, गाड़ियां तोड़ी हुई हैं, क्या ऐसा कोई था कि सपा के कार्यकर्ता थे? बाबूजी, अब बीजेपी वाले सपा को कहेंगे, सपा वाले बीजेपी को कहेंगे, लेकिन जैसा लोगों ने, यहाँ की जनता ने जो चर्चा जो सुना आज सुबह, कल शाम को रात में पुलिस भी यहाँ पड़ी थी, तो यही मालूम हुआ कि वो लोग, उनकी आवाजें दब रही थी। किनकी आवाजें? बीजेपी वालों की, और सपा वालों की आवाज ज्यादा तेज रही थी, उसमें वो थोड़ा से नहीं। तो वाकई में क्या सपा के कार्यकर्ता थे यहाँ पर, सपा के लोग थे या ऐसे ही गांव के लड़कों ने आवाज लगाई? साहब, अब वो सपा के थे या बीजेपी वाले ही ये नाटक रच रहे थे, लेकिन जिंदाबाद हाजी राजा, उधर अर्चना त्रिपाठी जिंदाबाद, ये चर्चा, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी से कोई नहीं। काफी गाड़ियां जो है इसमें टूटी हुई हैं। गाड़ी टूटने के लिए नहीं मालूम है, इतना देखा कि सुबह कांच रोड में पड़े थे, कितनी गाड़ियां टूटी साहब हमने न देखा और न थे। क्या नाम है आपका? बाबूजी, नाम हमारा संतोष सिंह। अच्छा, आप तो यही सथरियाओं के रहने वाले? जी, यही के रहने वाले। हमारे सथरियाओं में बीजेपी का 70% वोट पांच पंचवर्षीय से चल रहा है। अच्छा, पांच पंचवर्षीय से, और रिकॉर्ड है हमारे जिले के अंदर कि इतना वोट से स्वयं सांसद और